क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3.14 एनसीईआरटी, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम। अब की बार आंसर किस में देना है, चार्ज बताना है इलेक्ट्रिसिटी कूलम में फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ। अब की बार रिडक्शन नहीं करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है, ठीक है। और किसका ऑक्सीडेशन करवाना है, ये दो क्वेश्चन हमको दिए गए हैं, वन मोल ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन रिड्यूस होकर के क्या बनाता है, ये कुछ और बनाता। अभी अब की बार ये ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मतलब, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर जब ऑक्सीजन लूज करेगा तो किस में तोड़ेगा, एच प्लस में, और ओ माइनस में टूटेगा तो ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कितना इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, यानी कितना चार्ज फ्लो होगा इसमें, ठीक है ना। तो पहली चीज देखिए, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए H2O, अभी यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है ज़रा बताएं मुझे, H का प्लस है, दो H है, दो प्लस और इसका दो माइनस। तो अगर ये H2O से ऑक्सीजन बनाना चाहता है, ऑक्सीजन बनाना चाहता है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, कितने हैं, प्लस टू माइनस टू, तो कितने छोड़ने पड़ेंगे, दो इलेक्ट्रॉन। तो दो इलेक्ट्रॉन अगर ये छोड़ता है, कौन, एक मोल वाटर, ये कितना है, एक मोल वाटर जब दो मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाता है तो ये किस में चेंज हो जाता है, ऑक्सीजन में, और किस में चेंज होगा, ये चेंज हो जाएगा 2H प्लस में, और एक ही ऑक्सीजन आ रहा है ना, तो एक ऑक्सीजन दिखाने के लिए इसको हम हाफ कर दे रहे हैं O2 को, बन गया 2H और एक O H2O। तो एक मोल H2O से एक मोल ऑक्सीजन बनाने के लिए ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गए, कितना चार्ज लगा, हाँ एक मोल, देखो ना एक मोल ऑफ वाटर से ऑक्सीजन बनाना है, तो एक मोल वाटर से ऑक्सीजन बना, कितने मोल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए, हाँ इसको कूलम में बताना है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ। देयरफोर चार्ज रिक्वायर्ड कितना, दो फेराडे लिखेंगे, और दो फेराडे को कूलम में बता दो, 96,500 कूलम, मल्टीप्लाई कर लें, 5 × 10 और 6 × 12 एक 13, 9 × 18 एक 19 और ये 20, इतना कूलम। और आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 10^5, इतना कूलम चार्ज लगेगा एक मोल वाटर से एक मोल ऑक्सीजन बनाने के लिए, ठीक बा। दूसरा, एक मोल Fe2O से Fe2O3 बनाना है। अब ये देखिए कैसे बनेगा, ये है FeO, एक मोल है भाई, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताएं कितना है, ऑक्सीजन का कितना होगा, एक ऑक्सीजन पर -2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, इसका -2। हम चाहते हैं कि ये ऑक्सीडाइज होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाए, Fe2O3 में चेंज हो जाए, तो मुझे दो आयरन लेना पड़ेगा, तो इसको मैंने दो कर दिया, समझे बात, ध्यान से समझना, दो आयरन हैं तो मुझे इसको Fe2 करना पड़ा, कितने ऑक्सीजन हो गए, दो, कितने बनाने थे, तीन, तो एक ऑक्सीजन और आएगा, और आपको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, नहीं समझे, आप चाहें तो सिंगल O लिख लें या O2 लिख के हाफ कर दें, एक ही ऑक्सीजन है ये, एक ही है ना, एक ऑक्सीजन इसमें और जुड़ गया तो ये कितना बन गया, अब Fe2O3 बना कि नहीं बना, बना ना। अब देखिए ऑक्सीडेशन के केस में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं, होता है ना, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, यहाँ पर चार्ज कितना है, 2 × 4, यहाँ पर चार्ज कितना है, चार्ज कितना है चेक करें, ये 2 है, ये 3 है, तो इस आयरन पर कितना चार्ज आ जाएगा, +3, यहाँ 3 है तो यहाँ कितना चार्ज आएगा, +3, और इस ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आएगा, -2, तो चार्ज कितना हो गया, 3 × 6 −6 + 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए, बोलिए कितने पार्टिसिपेट किए, अरे यहाँ कितना था चार्ज आयरन के ऊपर, +4, यहाँ कितना चार्ज है, +6, तो +4 से +6 में गया, +4 ऑक्सीडेशन नंबर से +6 में गया, ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है,
ये है प्लस फोर पर, और प्लस फोर से किस में आ गया, प्लस सिक्स में, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, दो इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए, दो इलेक्ट्रॉन। समझे भैया कि नहीं आया समझ, बोलिए। हाँ तो बोलिए, दो मोल, अब ये दो मोल हो गया ना, एक नहीं लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे दो मोल से कितने, दो मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं, दो मोल, दो मोल मतलब दो फेराडे, है ना। तो हमसे तो क्वेश्चन एक मोल के लिए पूछ रहा था, है ना, दो मोल का मतलब है यहाँ पर दो फेराडे, दो फेराडे चार्ज जब फ्लो होता है तो कितने मोल FeO से Fe2O3 बनता है, दो मोल FeO से Fe2O3 बनता है, जब कितना चार्ज फ्लो होता है, दो फेराडे, और हमको एक मोल के लिए निकालना है, तो कैसे करेंगे, दो मोल में कितना चार्ज लग रहा है, देखिए ये देखिए, ऐसे करिए इसको, सिंस दो मोल FeO किस में चेंज होना चाहता है, Fe2O3, है ना, रिक्वायर्ड चार्ज कितना, दो फेराडे, दो मोल FeO को कितना चार्ज लगता है Fe2O3 बनने के लिए, दो फेराडे, तो एक मोल FeO को कितना चार्ज लगेगा, दो मोल को दो फेराडे, तो एक मोल को एक फेराडे, वन फेराडे लगेगा, इसको कूलम में बता दिए 96,500 कूलम इतना लगेगा, तो एक मोल, वन मोल FeO को ऑक्सीडाइज होके Fe2O3 बनाने के लिए कितना चार्ज लगेगा, 96,500। क्या आपको ये समझ आया, अच्छे से बना लोगे, ठीक है, नोट करें ये।